पार्टी नवाचार के लिए जानी जाती है और हमारे विधायकों ने रामलाल जी, अशोक लाहौटी जी और तमाम लोगों ने, देवनानी जी, अनीता जी, इन सब लोगों ने इनिशिएटिव लिया। इस क्षेत्र में जोमू और आमेर और आसपास के क्षेत्र के लोग रामलाल जी के इस नवाचार का निश्चित रूप से लाभ ले ही रहे हैं। हमारी सनातन परंपरा में अस्थि विसर्जन का गंगा जी में एक विशेष महत्व है और मोक्ष का एक कारक मानते हैं, इसलिए लॉकडाउन के कारण बहुत सारे अपने परिजनों की अस्थियों का विसर्जन नहीं कर पा रहे थे, तो जो इस महामारी के दौरान जो पीड़ित लोग थे वो इस किस्म के लोग भी थे कि जिनको समय पर उनकी अस्थियों का विसर्जन करना था। हालांकि समय गुजरा लेकिन एक इस नवाचार से उनको निश्चित रूप से लाभ होगा, समाज में भी संदेश जाएगा कि इस तरीके के पीड़ित लोग हो सकते हैं जिनको चाहे किसी न किसी रूप में मदद हो, तो ये उसी सहायता का एक किस्म का नवाचार है। जो परिवार के लोग, परिजन जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, लेकिन मुझे लगता है कि इस अस्थि विसर्जन से निश्चित रूप से उनको एक सुकून और शांति मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया जी और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जी की जब भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई उसमें इन्होंने एक ही बात कही है कि इस संकट की घड़ी के अंदर आम आदमी के साथ आप सबको खड़ा रहना है, चाहे मजदूरों के प्लान को लेकर, उनकी भोजन की व्यवस्था से लेकर, क्वारंटाइन सेंटर के अंदर जो रह रहे उनकी व्यवस्थाओं को लेकर, और इस तरीके के संकट की घड़ी के अंदर कई अपने चहेते और अपने परिजनों को खोने के उपरांत जो एक धार्मिक मान्यता है कि अस्थियों का विसर्जन नितांत आवश्यक है गंगा के अंदर, तो हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर और बसों की व्यवस्था की है। एक बस 20 तारीख गई थी, एक आज गई रही है, एक 24-25 तारीख को फिर बस जाएगी। और मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो हमें निर्देशित किया कि इस संकट की घड़ी में हर आदमी के साथ आपको खड़ा रहना है, और उसी के तहत हम हर आदमी के इस संकट की घड़ी के अंदर उनके साथ खड़े हैं।